ओके, तो अभी आपको समझ में आया चार्ज कैसे डिसाइड करना है। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म नेगेटिवली चार्ज कोलाइडर से। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको बताना है नेगेटिवली चार्ज कोलाइडर सॉल कौन बनाएगा। ठीक है, तो उसने दे दिया ऑप्शन है 100 ml, 0.1 molar AgNO3 को मिक्स किया है, 100 ml, 0.1 molar KI के साथ, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, 100 ml 0.2 AgNO3 को, 0.2 molar AgNO3 को मिक्स कर रहे हैं, 100 ml 0.1 molar KI के साथ, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि हमने 100 ml 0.1 molar AgNO3 ना, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि अपन ने तो एक इसका टाइप लिया था ना, अब इसमें से आपको बताना कि इनमें से कौन सा नेगेटिव चार्ज सॉल्व बनाएगा, और आप मुझे ये भी बताना कि कौन सा पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बनाएगा। ठीक है, 100 ml 0.2 molar KI के साथ, और लास्ट है डी पार्ट, मेरे पास है 100 ml 0.2 molar AgNO3 को मैं मिक्स कर रहा हूँ किसके साथ, 200 ml 0.1 molar KI के साथ। तो आप मुझे इसमें बताओ कौन कौन सा नेगेटिवली चार्ज सॉल्व बनाएगा और कौन कौन सा पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बनाएगा, जल्दी से। मेथड तो आपको आता ही है, तो क्या करोगे, रिएक्शन लिख लोगे AgNO3 की किसके साथ, KI के साथ, बताओ भाई आंसर। आपका AgI बनेगा प्लस KNO3 बनेगा। तो कौन कौन सा पॉजिटिव चार्ज सॉल्व बना रहा है, कौन कौन सा नेगेटिव चार्ज सॉल्व बना रहा है, वो बताने। हाँ सर, तो ए और बी के बारे में हम, ए और किसके बारे में, डी के बारे में आप लोग कह रहे हो कि हम कुछ नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि देखो जितना मिलीमोल यहाँ पे AgNO3 का आएगा उतना ही मिलीमोल यहाँ पे KI का है, यानी कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। सेम चीज यहाँ पे, जितना मिलीमोल यहाँ पर AgNO3 का आएगा उतना ही मिलीमोल यहाँ पे KI का आएगा, तो यहाँ भी कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, नहीं है ना? तो इन दो ऑप्शन में तो हम कुछ बोल नहीं सकते। ऑप्शन सी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें जो सॉल्व बनेगा वो नेगेटिवली चार्ज सॉल्व है। ऑप्शन बी की बात करें तो देखो यहाँ पे मिलीमोल कितना आ गया, 0.2 × 100, ये तो हो गया 20, और ये हो गया 100 × 0.1, ये हो गया 10। तो इस बार आप हमारा KI लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये 0 बचेगा और AgNO3 के 10 मोल रह जाएंगे, क्योंकि 1 से 1 रिएक्ट करता है तो 10 से 10 रिएक्ट करेगा और AgI का 10 फॉर्म हो जाएगा। अब AgI यहाँ पे क्या है, प्रेसिपिटेट है, तो कौन सा एन कॉमन हुआ, देखो AgI और AgNO3, यही है ना, KNO3 का तो कोई यूज ही नहीं है, तो कौन सा आयन कॉमन हो गया, Ag+ आयन कॉमन हो गया जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये वाला केस हमें पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व देगा। तो ये सारी चीजें अब आप डिसाइड कर लोगे। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट मेथड आता है अब हमारा केमिकल मेथड। तो हेडिंग डालो केमिकल मेथड, अब केमिकल मेथड में हम कैसे सॉल्व बनाएंगे, तो हम केमिकल रिएक्शन करके सॉल्व प्रिपेयर करते हैं। अब कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, बहुत सारे तरीके होती है, जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या डबल डीकम्पोजिशन। तो ये मेथड हम कब यूज करते हैं और इसमें होता क्या है, तो इसमें लिखो केमिकल मेथड में, दिस मेथड इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस, दिस मेथड इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस इन अ मीडियम इन विच the dispersed phase is sparingly soluble. ये किसके लिए यूज करते हैं, जिसमें आपका जो dispersed phase होता है वो क्या होता है, sparingly soluble होता है। क्या मीनिंग होता है sparingly soluble का, सोल्यूबल नहीं होता, या हम कह सकते कि पीपीटी बनाता है।
ठीक है, तो अब इसको एक सिंपल सा है, तो इसमें क्या होता है कि जस्ट एक सुपर सेचुरेशन की कंडीशन आ जाती है, यानी हम बट एक्चुअली में हम क्या करते हैं, जो प्रेसिपिटेशन होता है उसको अवॉइड करते हैं। तो क्या है, जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब इसमें क्या होगा सिंपल सा, जैसे कि हमने हमारे पास है 1% सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड है, उसको हमने क्या किया, हॉट वाटर में प्रिपेयर किया और उस सॉल्यूशन को कूल किया, फिल्टर किया और धीरे धीरे हमने क्या कर दिया, वाटर से इसको सेचुरेट कर दिया विद हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इससे पास कराई, तो इससे क्या होगा आर्सेनिक, देखो ये क्लोज लिखो इसमें डबल डिकम्पोजिशन। अब 1% सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड क्या होता है, आर्सेनिक ऑक्साइड H2O3 इज प्रिपेयर्ड इन हॉट वाटर, कितना परसेंट, 1% 1% आर्सेनिक ऑक्साइड है हमारे पास किसमें, हॉट वाटर में, जिसको हम क्या कर रहे हैं कूल कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, तो लिखो 1% सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड इन हॉट वाटर इज कूल्ड फिल्टर्ड एंड देन ग्रेजुअली एडेड टू अ वाटर सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन इज ग्रेजुअली एडेड टू अ वाटर सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन, यानी हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है एक्सेस में है यहाँ पे, उसके साथ हमने इसको मिक्स किया, देन अ स्ट्रीम ऑफ H2S इज पास, और उसके बाद हमने क्या किया H2S की स्ट्रीम पास कराई थ्रू द सॉल्यूशन, और ये हम तब तक कंटिन्यू करते हैं, तब तक हम H2S को पास कराते हैं जब तक कि आपको येल्लो कलर का सॉल प्रिपेयर ना हो जाए, जो कि किसका होता है H2S3 का होता है, इसका कलर येलो होता है, लिख लेना। तो कहाँ तक लिखा है आप लोगों ने, एंड देन ग्रेजुअली नहीं एंड देन अ स्ट्रीम ऑफ H2S गैसेस पास थ्रू द सॉल्यूशन टिल एन इंटेंस येलो कलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन, टिल टिल एन इंटेंस येलो कलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। यानी हमने क्या किया, हमने आर्सेनिक ऑक्साइड वाटर का मिक्सचर लिया, उसको कोल करके फिल्टर करके और धीरे धीरे हमने एक ऐसे सॉल्यूशन में ऐड किया जिसमें H2S और वाटर प्रेजेंट था और वो H2S के साथ सैचुरेटेड था, इसमें ग्रेजुअली ऐड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं H2S गैस को इसमें पास करा रहे हैं, तब तक पास करा रहे हैं जब तक कि येल्लो कलर का सॉल हमें प्रिपेयर नहीं हो जाता। तो ये देखो येल्लो कलर किसकी वजह से फॉर्म होता है कि आर्सेनिक ऑक्साइड इस H2S से क्या करता है, रिएक्ट करता है और यहाँ से आपका H2O निकाल देता है और क्या बनाता है, आर्सेनिक सल्फाइड बनाता है। तो आर्सेनिक सल्फाइड के प्रिपेयर होने के कारण आपका येलो कलर का सॉल्यूशन हमें दिखाई देता है। तो ये जो देखो जो रिएक्शन हुई है, ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन को किसने रिप्लेस कर दिया, सल्फर ने। तो ये हमारा फर्स्ट केमिकल मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, सॉल्व प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड मेथड देखो ऑक्सीडेशन, सिंपल है फर्स्ट मेथड का एग्जांपल, ये एग्जांपल भी हमें याद रखना है ना। सेकंड है ऑक्सीडेशन, बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, करते जाओ लिखते जाओ और याद करते जाओ, बहुत सी बार इसको पढ़ाने में नींद भी आ जाती है आप लोगों को, किसी को नींद तो नहीं आ रही ना, जग रहे हैं सभी, आवाज नहीं आ रही तो जग रहे। ओके ऑक्सीडेशन बहुत सिंपल सा है, तो इसमें लिखो, इसको भी एग्जांपल से ही समझते हैं हम। हमें क्या करना है, एक कोलाइडल सॉल्व बनाना है, किसका, सल्फर का, किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर लिखो, अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इज ऑब्टेन बाय, अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इज ऑब्टेन बाय पासिंग
H2S into a solution of sulfur by passing H2S into a solution of sulfur dioxide. सल्फर डाइऑक्साइड के सॉल्यूशन में हम क्या करा रहे हैं, H2S गैस को पास करा रहे हैं, तो इससे होगा क्या, देखो सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो आपका जो सल्फर है वो क्या हो जाएगा, -2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, और साथ में क्या बनेगा, वाटर मिल जाएगा। तो क्या लिखा आपने, A colloidal solution of sulfur is obtained by passing H2S into a solution of sulfur dioxide, or any oxidizing agent. SO2 आपका क्या होता है, SO2 आपका एक oxidizing agent होता है, और any oxidizing agent. For example, HNO3, आप SO2 की जगह HNO3 ले सकते हो, वो भी आपका oxidizing agent होता है, ठीक है, या आप इसकी जगह Br2 water ले सकते हो, Br2 water भी एक अच्छा oxidizing agent होता है। तो इनमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर आप H2S गैस पास कराओगे तो वो उसमें प्रेजेंट सल्फर जो कि -2 में है उसको ऑक्सीडाइज करने के अंदर सल्फर के अंदर, तो ये आपका सल्फर का सोल प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये मेथड था आपका ऑक्सीडेशन, नोट कर लेना। ऑक्सीडेशन के बाद बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट मेथड है रिडक्शन। रिडक्शन करके भी हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडल सोल ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, हमें क्या करना है, हमें गोल्ड का सोल बनाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि उसका कोई भी सॉल्ट ले लेंगे, जैसे कि गोल्ड का सोल्ट ले लिया AuCl, इसको किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करा दो, जैसे कि SnCl2 एक क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, तो उसके साथ जब आप इसको रिएक्ट कराओगे तो आपका ये क्या करेगा, SnCl4 फॉर्म करेगा और आपको गोल्ड का क्या कर देगा, सोल बना के जनरेट कर। तो ये हमारा क्या हो, ये हमारा रिडक्शन मेथड हो गया, सिंपल है। किसी भी जिस भी मेटल का सोल बनाना है उसके सोल्ट को क्या करा दो, रिड्यूस करा दो रिड्यूसिंग एजेंट से। अब इस मेथड से हम कौन कौन से एटम या एलिमेंट का सोल बना सकते हैं, तो इससे हम गोल्ड का बना सकते हैं, सिल्वर बना सकते हैं, प्लेटिनम बना सकते हैं, राइट। तो ये जनरली हम इस मेथड से फॉर्म करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट मेथड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जैसा कि आपको नाम की समझ में आ रहा है क्या होगा, वाटर का यूज करेंगे, तो इसमें लिखो फॉर एग्जांपल व्हेन फेरिक हाइड्रो व्हेन फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल इज प्रिपेयर्ड when ferric hydroxide sol is prepared, it is prepared by the hydrolysis of ferric chloride. It is prepared by the hydrolysis of ferric chloride with boiling water. यानी ferric chloride में हम क्या कर रहे हैं, गर्म पानी डाल रहे हैं, तो water क्या करेगा, यहाँ से iron से क्या करेगा, Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा और क्या बना देगा, FeOH, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल, ठीक है, और ये आपका क्या बाहर निकल जाएगा, CaCl। तो ये हमारा हाइड्रोलिसिस मेथड हो गया। तो इस हाइड्रोलिसिस से हम और कौन कौन से सोल प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं आयरन, इसके अलावा और क्रोमियम, और किसका सोल प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्यूमिनियम। तो ये कुछ मेटल हैं जिनके हाइड्रोक्साइड के सोल हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा केमिकल मेथड, इन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सोल बना सकते हैं। तो देखो अब हमने क्या हुआ, हमने अभी तक क्या कर लिया, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल देख लिया है डिफरेंट टाइप्स के बेसिस पे, उसके बाद हमने ये भी देख लिया है कि उन कोलाइडल सोल को लायोफोबिक, तो लायोफिलिक तो जनरली आपका क्या हो जाएगा, मिक्स करो और शेक कर दो तो लायोफिलिक सोल तो प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन लायोफोबिक सोल को प्रिपेयर करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड लगते हैं। तो वो स्पेशल मेथड कौन कौन से हैं, ये स्पेशल मेथड भी हमने देख लिए हैं कि दो तरह के मेथड होते हैं,
डिस्पर्शन एंड कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन के अंदर दो मेथड होता है, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। तो ये हमारे फिजिकल एंड केमिकल मेथड थे। अब हमारा क्या हो गया, सॉल्ट प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट प्रिपेयर हुआ है, ये जरूरी थोड़ा है कि 100% प्योर हो, यानी अब हमने जो सॉल्ट प्रिपेयर किया इसको हम क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, इसका प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी है। तो अब हम हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, कौन कौन सा मेथड है प्यूरिफिकेशन का, जैसे कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है डायलिसिस। आप लोगों ने डायलिसिस का नाम सुना होगा। सेकेंड मेथड है इलेक्ट्रो डायलिसिस। ये कुछ मेथड है प्यूरिफिकेशन के। इसके अलावा और क्या मेथड है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो जनरली ये तीन मेथड है जिससे कि हमारे पास जो सॉल्ट बन गया हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। तो फटाफट से फर्स्ट मेथड देख लेते हैं, डायलिसिस। क्या होता है डायलिसिस, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, कहाँ यूज करते हैं भाई? हाँ बायो में पढ़ा होगा ना, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए। क्या होता है डायलिसिस में, चलो देख लेते हैं। तो हमारे पास एक, हाँ कौन सा प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस या रिवर्स ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह का कुछ एक अरेंजमेंट लेते हैं, एक रफ डायग्राम में आपको बता रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पर जो सोल आपने प्रिपेयर किया है, उस सोल को हमें क्या कराना है, प्यूरिफाई कराना है। तो एक बेग में मैंने वो सोल पार्टिकल ले ली, राइट। और यहाँ से मैं क्या करा रहा हूँ, हाई स्ट्रीम पे वाटर फ्लो करा रहा हूँ। ये सॉल्ट पार्टिकल है इस बैग के अंदर, यहाँ से मैंने वाटर क्या कराया, हाई स्ट्रीम पे पास कराया, या उल्टा कर लेते, यहाँ से हम वाटर पास करा रहे हैं और ये वाटर का यहाँ से क्या हो गया, आउटलेट हो गया, यहाँ से वाटर क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो अब इसमें होगा क्या डायलिसिस में, कि जो भी इम्प्योरिटीज वाले पार्टिकल्स होंगे, हाँ भाई बताना चाहोगे कैसे ऑस्मोसिस होगा यहाँ पे? तो इसमें क्या होता है, अच्छा क्रिस्टलोइड्स क्या होते हैं, नाम सुना है क्रिस्टलोइड्स का? हाँ भैया रिंजे, क्रिस्टलोइड्स। तो यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, डायलिसिस में जो आपने बैग लिया है उसमें आपका कोलाइडल सोल भी है और क्रिस्टलोइड्स। तो लिखो पहले इसमें, हेलो अभी आ रही आवाज? हाँ तो लिखो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलोइड्स, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलोइड बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायलिसिस। Thank you.
अच्छा, अब इसका कंसेप्ट क्या होता है? तो कंसेप्ट ये होता है कि ये जो आपका बैग होता है ना, इसकी जो सरफेस होती है, ये आपका मेम्ब्रेन का रोल प्ले करता है। तो जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट या क्रिस्टलॉइड प्रेजेंट होते हैं वो तो इस मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं, लेकिन कोलाइडर पार्टिकल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो वो पार्टिकल इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते। तो हम क्या करते हैं, जब यहाँ से हाई स्ट्रीम पर वाटर पास कराते हैं तो जो क्रिस्टलॉइड है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर से बाहर निकलते हैं, वाटर के साथ बाहर आते हैं और उसे हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो धीरे 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 ये क्रिस्टलॉइड क्या होंगे, बैग से बाहर निकलते जाएंगे और जो आपका कोलाइडर है वो प्योर स्टेट में आता जाएगा। तो कंसेप्ट क्लियर है? यानी क्रिस्टलॉइड तो पास हो सकते हैं या इलेक्ट्रोलाइट तो पास हो सकते हैं, लेकिन जो आपका कोलाइडर पार्टिकल है वो आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो पाएगा। तो एक काइंड ऑफ ऑस्मोसिस ही हो गया ये सर। क्रिस्टलॉइड का मीनिंग है? अब क्रिस्टलॉइड का मीनिंग उसमें जो भी इंप्योरिटीज है, राइट, जो भी इंप्योरिटीज है वो सब हमने सॉलिड फॉर्म में है ना, वो सारी हमने क्रिस्टलॉइड को बोल दिया। तो जो भी इंप्योरिटीज है वो सारी क्या हो गई, धीरे 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 वाटर के साथ बाहर आती गई और हमने उसको यहाँ से क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है ना, ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है। तो नेक्स्ट टाइम से लिखना, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, तो उनको किसके लिए हम यूज करते हैं, ये एक तो स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज यूज फॉर रिमूविंग HCl, it is used for removing HCl from ferric hydroxide salt. ferric hydroxide salt से हमें क्या करना है, HCl को remove करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये process use कर सकते हैं। कैसे प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, यानी इस प्रोसेस को होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसकी अगर हमें रेट बढ़ानी है, इसकी अगर हमें स्पीड बढ़ानी है, तो हम क्या कर देंगे, हम इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे। तो नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस का कुछ नहीं है, सेम ही अप्रोच है, सेम ही मेथड है, सब कुछ सेम है, बस हमने क्या कर दिया, डायलिसिस जो होती है बहुत स्लो प्रोसेस है, तो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हमने उसमें क्या लगा दिए, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए और उनको एक्सटर्नल बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी और ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगी। तो ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस में भी चाहो तो ये डायग्राम बना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या किया, सिर्फ दो इलेक्ट्रोड एक्स्ट्रा हमने लगा दी, तो एक तरह से क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इसमें लिखना है इलेक्ट्रोडायलिसिस में टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ डायलिसिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड देन द प्रोसेस इज कॉल्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ डायलिसिस इफ electric field is applied then the process is called electrodialysis. clear hai sir, repeat kijiye ek bar. ha, to increase the speed of dialysis if electric field is applied then the process is called इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये जनरली हम कब यूज करते हैं, जब इसमें जो भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है वो क्या हो, वो एक ही इलेक्ट्रोलाइट हो, वो एक ही टाइप की इम्प्योरिटी हो, तब हम डायलिसिस प्रोसेस या इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज करते हैं। ओके okay?